आज हम क्लास में पढ़ेंगे गाउस के नियम की सहायता से किसी समरूप आवेशित कोई सीधा तार है, एक सीधा सा तार है जिस पर एक समान रूप से आवेश है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समरूप आवेशित अनंत लंबाई के रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक रेखीय तार है, सीधा तार है, अनंत लंबाई मतलब काफी लंबा है, और समरूप आवेशित मतलब आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। जैसे मान लो एक तार हो गया यहां पर, ये इस पर पूरे पर आवेश वितरित हो गया, इसका रेखीय आवेश घनत्व है लैम्डा, और इस तार से आर डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस आर, यहां पर एक पॉइंट है, हमें इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां ज्ञात करनी है। तो पहले हम देखते हैं कि यहां विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन के लिए अलग से देखते हैं, मान लो ये सीधा तार है और ये बीच में हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, बीच में एक लंबवत रेखा खींच ली, और यहां पर हमें तीव्रता देखनी है। तो हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट, एक छोटा सा हिस्सा यहां ले लेते हैं तार का, और एक यहां ले लेते हैं यहां से बराबर दूरी पर, तो ये दोनों को हम बिंदु आवेश मान सकते हैं। तो इसके कारण यहां पर तीव्रता जो होगी वो इस साइड हो जाएगी, ऐसे इसके कारण यहां जो तीव्रता होगी इसी लाइन पर आगे की तरफ होगी। सिमेट्री के हिसाब से देखो दोनों डिस्टेंस बराबर है, ये पॉइंट दोनों से बराबर दूरी पर है, दोनों हमने एलिमेंट बहुत छोटे से लिए हैं, बराबर लिए हैं, तो दोनों तीव्रताएं बराबर होंगी, बस डायरेक्शन अलग अलग है। तो अगर हम वेक्टर के नियम से जोड़ेंगे, सदिश नियम से जोड़ेंगे, तो परिणाम ही ऐसे आ जाएगा बीच में, तो यानी कि इन दोनों का जो विद्युत क्षेत्र है वो इसी लाइन पर आ गया, यानी कि ये जो तार है इस तार के परपेंडिकुलर आ गया, लंबवत आ गया। इसी तरह से मान लो हमने यहां लिया होता एक पॉइंट और एक यहां लेते, तो उन दोनों के कारण तीव्रताएं भी इधर ऐसे आती और परिणाम ही फिर बीच में आ जाता। तो ये जो ऊपर वाले आधे भाग का है और नीचे वाले आधे भाग की जो तीव्रता है, उनमें अगर हम दो दो पेयर ले लें पॉइंट के हिसाब से, दो दो के जोड़े बनाते जाए, तो सभी तीव्रताएं इसी से बनाती जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इस तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र है बीच में, वो तार के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो कोई भी जो तार होता है उसका विद्युत क्षेत्र, जैसे ये तार है तो इसके बीच में विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत होगा, आगे भी होगा, ऐसे तिरछा भी जाएगा। जैसे मान लो इस तरह से वायर है, आपकी तरफ है ये वायर, तो इससे चारों तरफ निकलेगा विद्युत क्षेत्र इस तरह से। अब ऐसे दिखाए हम तो एक इधर आ गया, एक लाइन इधर आ गई, एक सामने हो गई, एक बैक हो गई, ऐसे तिरछे की हो गई, तो चारों तरफ निकलेंगी ये रेखाएं, यानी कि ये विद्युत क्षेत्र हो गया इस दिशा में, या इसमें देखो दोनों तरफ हो गए। अगर आप सेंटर से थोड़ा सा इधर लेते हो तो भी वो भी इतना ही आएगा, अगर तार की लंबाई काफी है तो बीच के कुछ पोर्शन तक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हमने यहां लिखा है अनंत लंबाई का तार, एक लंबा तार, असीमित तार, तो ये रेखीय आवेश है, काफी बड़ा है, तो इसके
किनारों से थोड़ा दूर हटते हैं, मतलब बीच वाले पोर्शन पर विद्युत क्षेत्र चारों तरफ ऐसे निकलेगा और एक सिलेंडर बनाएगा, एक बेलन बनाएगा। तो हमें जो गाउसीय प्रश्न मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा, ये ऐसा, क्योंकि गाउसीय प्रश्न वो प्रश्न होता है जिसका विद्युत क्षेत्र इस तरह से परपेंडिकुलर काटे, प्रश्न के लंबवत हो गए और इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान होना चाहिए, तो तार से समान दूरी कर लेंगे इस प्रश्न। तो कोई भी तार है उसके चारों तरफ बेलनाकार प्रश्न वो होता है गॉसियन प्रश्न, गॉसियन सरफेस। तो ये जो सीधा तार है इसके चारों तरफ एक बेलनाकार प्रश्न बनेगा, तो उस प्रश्न को बना देते हैं यहां पर। ये डॉट डॉट करके जो दिखा रहे हैं ये बेलनाकार प्रश्न की वक्रीय सतह है, ये यहाँ पर गाउसीय प्रश्न हो गई, केवल वक्रीय सतह बस, लेकिन ये बंद आकृति थोड़ी हुई, नीचे से खुला है ऊपर से खुला है, इसलिए हमें क्या करना है ऊपर और नीचे दोनों तरफ वृत्ताकार सतह की मांगनी है ताकि ये बंद आकृति बन जाए और गाउस का नियम लग सके। तो चलो हम ऊपर की तरफ एक वृत्ताकार सतह बना देते हैं, एक सतह नीचे की तरफ बना देते हैं। वायर काफी लेंदी है, इसे डॉट डॉट करके छोड़ना चाहिए, यानी इस बेलन की तुलना में तार की लंबाई काफी ज्यादा है, इधर भी काफी पोर्शन निकल रहा है, इधर भी काफी पोर्शन निकल रहा है, ताकि जो विद्युत क्षेत्र बनेगा इस तार का वो इस तरह से सीधा बनेगा इस तरह से, क्योंकि किनारे पर विद्युत क्षेत्र ऐसे बन जाएगा, हमें चाहिए जहां सीधा है बीच में थोड़ा सा पोर्शन लेना है, यानी तार को एक्स्ट्रा लंबा लेना है, अतिरिक्त लंबाई लेनी है। तो आपको पहले इसमें डायरेक्शन को समझना होता है, डायरेक्शन वगैरह इसके परपेंडिकुलर क्यों है, फिर डेरिवेशन को हम इसमें दिखाएंगे, इसमें डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे हम, केवल हमें समय पता है तार की लंबवत है, यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो हम यहां पर एक अल्पांश लेंगे, छोटा सा एलिमेंट लेंगे, सरफेस एलिमेंट, ये जो प्रश्न है इस प्रश्न पर इस तरह से अल्पांश लेंगे जिसका क्षेत्रफल सदिश डी ए इधर की तरफ आएगा और विद्युत क्षेत्र ये भी इस साइड होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो है वो इस तार के लंबवत होगा, ये जो तार रखा है इसके परपेंडिकुलर होगा, तो इस तरह से जैसे भी मैंने बताया था, तो ये विद्युत क्षेत्र इस क्षेत्रफल सदिश के समांतर हो गया इस वक्रीय पृष्ठ पर, ये जो बेलन की जो वक्रीय सतह है इसमें ये दोनों परस्पर समांतर हो गए। ये ऊपर वाली जो सतह है इसको मान लेते हैं एस वन सरफेस, एस वन नाम दे दिया सरफेस एस वन, ऐसे इस नीचे वाले को नाम दे देते हैं एस टू, और ये जो चारों तरफ बेलनाकार वक्रीय सतह है इसका नाम दे देते हैं एस थ्री। तो यहां तीन सतह हैं जिनसे मिलकर एक बंद बेलन बनता है, एक बंद आकृति बनती है। इस बेलन की लंबाई ले लेते हैं एल, अब हमने इस वाली सतह पर अल्पांश ले लिया ठीक है, लेकिन इस सतह पर भी तो लेंगे अल्पांश, इस पर अल्पांश ऐसे आएगा, इस पर एलिमेंट ऐसे आएगा छोटा सा पीस, ये ऊपर वाली सतह ऐसे रखी हुई है तो इसका जो अभिलंब होगा वो ऊपर की तरफ होगा, तो इसका क्षेत्रफल सदिश हो गया ये डी ए वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो तार के हिसाब से देख रहे हैं, ये जो वायर है तो इस वायर के परपेंडिकुलर होगा, इधर होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ऊपर वाली सतह पर विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत हो गया, अब नीचे वाली सतह ऐसे रखी हुई है तो इसका अभिलंब नीचे की तरफ जाएगा,
यहां पर एक एलिमेंट दिखा देता है, और विद्युत क्षेत्र तो इधर ही होगा क्योंकि ये जो विद्युत क्षेत्र है ये इस तार के परपेंडिकुलर है, ये तो राइट साइड में जाएगा। अब राइट साइड जाएगा तो इस सरफेस को तो लंबवत काटेगा, तो स्वाभाविक है कि इसका जो अभिलंब है वो समांतर हो जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र इस सतह के समांतर है इसलिए क्षेत्रफल भी लंबवत हो गया, ऐसे इस वाली सतह के समांतर है तो यहां लंबवत हो गया, तो ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हो गए और ये दोनों समांतर हो गए। तो ये डायग्राम कंप्लीट हो गया इसके लिए। अब हम डेरिवेशन करते हैं। यहाँ ये जो बेलनाकार सतह है ये चारों तरफ वाली, ये वाली सतह है, यहाँ पर ये है गाउसीय पृष्ठ। तो एक क्वेश्चन तो यही होगा कि एक सीधा रैखिक तार है, आवेशित तार है, उसके लिए गाउसीय पृष्ठ कैसी होती है, तो वो होती है बेलनाकार। बेलनाकार का ये जो वक्रीय वाला है ये गाउसीय पृष्ठ है, इसके प्रत्येक बिंदु पर यहां से लेकर यहां तक विद्युत क्षेत्र ई रहेगा और पृष्ठ के लंबवत रहेगा। पृष्ठ के लंबवत है और अभिलंब के समांतर है। अब हम सबसे पहले इस बेलन के अंदर अंदर का आवेश निकाल लेते हैं। बेलन द्वारा परिबद्ध आवेश, मतलब बेलन कितना आवेश कवर कर रहा है, तो ये जो तार है इसका कुछ पोर्शन उधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, लेकिन यहां से यहां तक जो हिस्सा है वो तो बेलन के अंदर है। तार की इकाई लंबाई में जो आवेश है वो है लैम्डा, और यहां से यहां तक जो लंबाई है वो एल हो जाएगी, तो एल लंबाई में कुल आवेश हो जाएगा लैम्डा एल। ये यहां पर हो जाएगा क्यू या समेशन क्यू जो भी कहेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू क्यू बटे एल, तो क्यू हो जाएगा लैम्डा इनटू एल। लैम्डा है इकाई लंबाई का आवेश, तो एल लंबाई से मल्टीप्लाई करते हैं यहां से यहां तक का आवेश हो जाएगा, यानी कि इस बेलन के अंदर का आवेश, क्योंकि जब आप गाउसीय पृष्ठ गाउस का नियम लगाओगे तो यहां से यहां तक का आवेश जाएगा, तो उसको हमने पहले निकाल कर रख लिया। अब इस पूरे का फ्लक्स निकालते हैं। संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कंप्लीट से निर्गत फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला है ई डॉट डीए का इंटीग्रेशन, और यहां पर इस तरह से लगा देंगे क्लोज इंटीग्रल बंद समाकलन, क्योंकि ये हमने बंद पृष्ठ है तो इसकी पहचान बना दी। इंटीग्रेशन वही सिंपल है जैसे मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं, बस यहाँ फिजिक्स में केवल पहचान बना दी जाती है कि बंद आकृति के लिए है, इसको क्लोज इंटीग्रल भी बोल देते हैं, बंद समाकलन। लेकिन एक समस्या है कि यहाँ डायरेक्ट इसको अदिश रूप में नहीं बदल सकते, ई डॉट डी ए को ई डी ए कॉस थीटा लिखे तो थीटा क्या लेंगे, यहाँ तो दोनों समांतर है, ई और डी ए के बीच में 0 डिग्री का कोण है, इस वाले सरफेस में दोनों लंबवत है, यहाँ 90 डिग्री का है, ऐसे यहाँ भी दोनों लंबवत है, यहाँ भी 90 डिग्री का है, तो हम क्या करेंगे इसको तीनों सतहों का अलग अलग फ्लक्स निकाल के जोड़ देंगे, वो हो जाएगा। यानी कि ये जो टर्म है इसको हम तीन भागों में तोड़ देते हैं, तीन पदों में बांट देते हैं, तो ये होगा E dot da S1 सरफेस के लिए, ये S1 सरफेस ऊपर वाली है, सर्कुलर सरफेस है, ये वृत्तीय सतह है, इसका जो भी आएगा वो मान होगा प्लस। S2 सतह के लिए निकालेंगे E dot da प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E dot da फॉर S3 सरफेस,
तो मैंने क्या किया है, ऐसा इसको तीन बार लिख दिया और S1, S2, S3 तीनों अलग अलग सतहों में लिए ले लिया। यहाँ गोला नहीं लगाएंगे इस तरह से, क्योंकि तीनों मिलाकर बंद आकृति है। ये वृत्ताकार सतह ऊपर वाली है, ये वृत्ताकार सतह नीचे वाली है, तो क्लोज नहीं है, वो ओपन सरफेस है। वृत्त, आयत, वर्ग, ये सब खुले सरफेस हैं। बंद आकृति तो तीनों मिलाकर होती, तो इस तरह से तीनों में बांट दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन S1, इसको लिखेंगे E dA cos 90, क्योंकि S1 सतह जो है वो ये वाली है और इसमें E और dA परस्पर लंबवत है, 90 डिग्री का कोण है, तो 90 हो जाएगा। प्लस इंटीग्रेशन S2, ये E dA को अनिश रूप में लिखेंगे, तो E dA cos यहाँ भी 90 आएगा, क्योंकि दूसरी सरफेस हमने नीचे वाली ली है, इसमें EDA परपेंडिकुलर है, तो 90 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S3 EDA cos S3 जो है वो ये वाली सरफेस ही है जो चारों तरफ रही है, इसमें ये दोनों पैरेलल है, इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तो cos 0। तो हमने तीनों को अदिश रूप में बदल दिया और कॉस की वैल्यू रख दी। कॉस 90 जीरो होने से ये कंप्लीट जीरो हो गया, सब मल्टीप्लाई में, तो इसकी कंप्लीट की वैल्यू यहां से आकर जीरो, ऐसे इसकी वैल्यू भी जीरो, सिर्फ ये वैल्यू बच जाएगी, और इसमें भी कॉस जीरो वन होगा तो केवल ये बच जाएगा। तो फाई ई विल बी इंटीग्रेशन ई डी ए फॉर एस थ्री, केवल S3 वाला रह जाएगा, ये इन दोनों की वैल्यू 0 हो गई, इसमें cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, सिर्फ ये रख लिया हमने। अब इसी को सॉल्व करना है, E को बाहर ले लेते हैं, क्योंकि E कांस्टेंट है, कांस्टेंट को समाकलन से बाहर ले लेंगे। E कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो चारों तरफ वक्रीय सतह है, इसका प्रत्येक बिंदु प्रत्येक पॉइंट इस तार से बराबर दूरी पर है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, इसीलिए तो बेलना मार लिया है हमने, गाउसीय प्रश्न लेना ही इसलिए होता है। फाई ई इक्वल टू ई डी ए जो है वो वृत्तीय सतह का छोटा सा टुकड़ा है, जो चारों तरफ वृत्ताकार सतह है उसका अल्पांश है ये, लेकिन समाकलन का कुल क्षेत्रफल जो चारों तरफ बेलनाकार पृष्ठ है ये, इसका कुल क्षेत्रफल इन दोनों का नहीं क्योंकि S3 का ही, तो बेलन का कुल क्षेत्रफल होगा 2πRL वक्रीय सतह का, कोई भी बेलन है ऊपर नीचे वाले का नहीं, केवल चारों तरफ वाले का, तो वो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है ये 2πRL, तो ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स। तो इसके टोटल फ्लक्स में तीन सरफेस है, तीन में से दो सरफेस के लिए जीरो हो गया, बची एक सरफेस, इसको सॉल्व करने पे ये आ गया। अब हमें इसी का तो मान निकालना है, ये अज्ञात है, ये पता ही है, तो अब हम दूसरा समीकरण, एक और समीकरण बनाएंगे गाउस के नियम से। गाउस के नियम से जो फ्लक्स है वो होता है समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ जो समेशन क्यू है वो बंद आकृति के अंदर का आवेश है, जो हमने पहले ही बार रखा है, तो समेशन क्यू की जगह लैम्डा है, समीकरण एक से यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इक्वेशन थर्ड। अब हमारे पास में फ्लक्स की दो वैल्यू है, एक ये और दूसरी ये, और फ्लक्स किसका है तो इसी सरफेस का, तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे, समीकरण दो व तीन से इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे, यानी कि दोनों से फ्लक्स के मान इनको बराबर ले देंगे। समीकरण दो में तो है E 2 pi r l,
और समीकरण तीन में है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये एल से ही एल कैंसिल हो जाएगा, टू पाई को नीचे लेकर इसके साथ में लेते हैं टू पाई एप्सिलॉन जीरो, नीचे तो ये तीनों आएंगे आर भी आएगा लेकिन टू पाई को इसके साथ ले लिया, इस साइड लैम्डा बच गया एल तो कैंसिल हो गया और ये आर नीचे आ गया। एक काम करते हैं इसको ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा इसलिए ताकि ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कंप्लीट एक सेट बन जाए जिसको के ले लेते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन r। ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 तो यहां आ गया, इसमें 2 गुना होकर 4 हो गया, तो ये हो गया फार्मूला इस तार से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं हम 2 के लैम्डा अपॉन आर। टू के लैम्डा ये हो गया 2, इसकी जगह के ये लैम्डा अपॉन आर, तो के को मैंने बीच में लिख दिया, वो नंबर को आगे ले लिया बस और कुछ भी नहीं है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, सदिश रूप में लिखना है तो E वेक्टर 2 के अदिश राशि है, लैम्डा अदिश राशि है, R सदिश है लेकिन ऐसे बटे में वेक्टर नहीं लगाता है, कभी भी नीचे नहीं लेता है वेक्टर को, तो फिर यहां R कैप लगाएंगे आप, ऐसे भी लिख सकते हो इसको 2k लैम्डा अपॉन r स्क्वायर r वेक्टर, अगर इधर वेक्टर बनाना है तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन इसको रहने दो, अगर एग्जाम में पूछता है तो इतना इनफ है, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये वेक्टर फॉर्म हो गया, लेकिन सॉल्व करने के लिए आपको इस फॉर्म में ही याद रखना है, तो ये हो गया इसका कंप्लीट सीधे तार की वजह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो बिंदु P है वो यहाँ पर है, ये पॉइंट P है, तो हम क्या करते हैं जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उस पॉइंट को गाउसीय सरफेस पर लगाना है, गाउसीय सरफेस आप अपने हिसाब से लोगे, लेकिन अब तार है तो बेलनाकार ही लोगे, लेकिन स्टार्ट वहां से करोगे जहां पॉइंट है जिसका हमें तीव्रता चाहिए, तो जहां हमें तीव्रता चाहिए उसकी तार से डिस्टेंस है आर, जो कि बेलन की त्रिज्या भी बन गई। यहां पर ई आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन दोनों के बीच में जो कर्व बनेगा वो इस तरह का बनेगा, व्युत्क्रमानुपाती है एक दूसरे का। अगर आपको ग्राफ बनाना है लैम्डा के साथ, लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, अगर आप एक अक्ष पर लेते हो ई और दूसरे पर लैम्डा, तो समानुपाती है ग्राफ ऐसा है, फॉर्मूले में देखो ई लैम्डा के प्रोपोर्शनल है तो समानुपाती है, लेकिन आर के भी समानुपाती है इस तरह का। देखिए हमने अभी तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं पढ़ी है बिंदु आवेश के लिए, सबसे पहले हमने ये पढ़ी थी बिंदु आवेश के लिए, तो ये जो तीव्रता है ये आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई थी। इसके बाद में हमने पढ़ा था द्विध्रुव के लिए, द्विध्रुव में हमने अक्ष और निरक्ष दोनों के लिए अलग अलग पढ़ा था, लेकिन दोनों में नीचे आर क्यूब आता है, तो ये दोनों तो हमने पहले पढ़ लिए थे जिसमें गॉस का नियम का यूज नहीं होता, इसी का ये
नीचे आर स्क्वायर ही आता है, तो ये तो इसी की जैसा है। फोर्थ हमने आज लिया है रैखिक आवेश के कारण, रैखिक आवेश के कारण तीव्रता केवल आर के सिंगल पावर पे विद्यमान होती है, आर के विद्यमान होती है। तो इस तरह से आर अलग अलग तरह से डिपेंड कर रहा है अलग अलग चीज पर, तो आप इसको कंपेयर करके ध्यान रखना। एक अनुप्रयोग और बच रहा है हमारा, रेखिक तार की बजाय समतल पृष्ठ का, तो वो तो नेक्स्ट डेरिवेशन उसमें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि पूरा नहीं होगा, मेहनती ज्यादा हो जाएगा। मान लो ये एक वायर है और ये दूसरा वायर है, इस वायर पर चार्ज है या इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा वन, इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा टू, दोनों की लंबाई इक्वल ले लेते हैं एल, और ये जो बीच की डिस्टेंस है ये ले लेते हैं एक्स या आर, उसकी ले लो, चलो आर ले लो, डिस्टेंस को हम आर ले रहे थे या ले। अब हमने दो सीधे तार ले लिए, इस पर पूरे पर आवेश फैला देते हैं पॉजिटिव और इस पर भी आवेश पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में बल कितना लगेगा वो निकालना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था E इक्वल टू F अपॉन Q, तो F इक्वल टू होता है QE। अगर हमें किसी एक पर बल चाहिए तो हमें दो चीजें चाहिए, एक तो आवेश और एक तीव्रता। जैसे इस पर बल निकालना है तो इसका आवेश और इस पर तीव्रता, तो इस पर जो तीव्रता लेंगे वो इसकी लेंगे, और अगर आपको इस पे बल निकालना है तो इसका आवेश हो गए उसकी तीव्रता हो गई। चलो मान लेते हैं इसमें यहां से यहां तक आवेश है क्यू वन और इस पर आवेश है क्यू टू, इस वायर की यहां पर तीव्रता है, इस तार के ऊपर तीव्रता ई वन, E1 इसलिए लिखा है क्योंकि इस तार की तीव्रता ले रहे हैं, तो ये लेना है। पहले तार के कारण दूसरे तार पर तीव्रता, पहले तार के कारण दूसरे तार पर तीव्रता, तो दूसरे तार पर है तो दो नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि यह है किसकी तीव्रता, इस तार की, तो ये हो जाएगी 1/4πε0 2λ/r। जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था ये उसी पर बेस्ड सवाल है, तो हम इसको k के फॉर्म में लिख देते हैं, ऐसे रहने दो, हम इसको लिख देते हैं 2k λ1/r, क्योंकि इस वाले तार की तीव्रता है और इससे कितनी दूरी पर है ये तार, r दूरी पर, तो इस तार से r दूरी पर यहां पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए इस तार का एरिया रेखीय घनत्व, इससे डिस्टेंस r और इसकी तीव्रता E1 जो कि यहां पर निकल रही है, तो इस वाले वायर की तीव्रता यहां पर ये हो गई। अब इसका आवेश लेना है Q2, दूसरे तार का आवेश, दूसरे तार का आवेश Q2, ये इस फॉर्मूले से निकलेगा लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन है, तो लैम्डा टू तो क्यू टू कर दो इसे,
तो Q2 हो जाएगा लैम्डा 2 into L, लैम्डा 2 into L अपॉन R, सॉरी R नहीं, इक्वेशन 2। ये जो दोनों बार है इनकी लंबाई है वो R के कंपेयर में काफी ज्यादा है, यहां पर R जो है वो काफी ज्यादा है, R is very very greater than, नहीं R नहीं L, क्योंकि जो हमने डेरिवेशन पढ़ा था ये अनंत लंबाई के तार के लिए, तार अनंत लंबाई का होना कोई जरूरी नहीं है, बस ये है कि तार की लंबाई इसकी तुलना में ज्यादा होनी चाहिए। अतः दूसरे तार पर बल F2, बल के लिए ये वाला फॉर्मूला लेंगे QE वाला, तो जिस तार पर बल ले रहे हैं उसका आवेश और बल जिसकी वजह से लगता है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है उसका क्षेत्र, तो इस तार पर बल निकालना है तो इसका आवेश और यहां पर तीव्रता, वो तीव्रता इसकी है, तो F2 इक्वल टू हो जाएगा Q2, Q2 की वैल्यू है लैम्डा 2 इनटू है और E1 की वैल्यू है 2K लैम्डा 1 अपॉन R, इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं तो दो आगे आ जाएगा, K को भी आगे ले लो, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 अपॉन R, और जितना बल इसके लग रहा है उतना इसके लगेगा, वो तो क्रिया प्रतिक्रिया का बल है, क्योंकि उसमें फिर ये वन हो जाएगा तो ये टू हो जाएगा, यहाँ टू आएगा तो यहाँ वन आएगा, तो मल्टीप्लाई होकर दोनों चीज आ जाएंगे, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है, इससे इसकी डिस्टेंस चाहे इससे इसकी डिस्टेंस एक ही बात है। इसी प्रकार F1 भी यही होगा 2K लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन R, प्रत्येक तार की इकाई लंबाई का बल पूछे तो प्रत्येक तार की इकाई लंबाई पर बल तो हो जाएगा F अपॉन L, ये बल ये लंबाई, लंबाई से डिवाइड कर देंगे तो इकाई लंबाई पर बल हो जाएगा, इसमें मैंने अभी यहां पर L छोड़ दिया, ये L आ रहा है, L यहां आ जाएगा 2K लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन R, ये जो फॉर्मूला है ये इकाई लंबाई का हो गया और लंबाई शामिल रखते हैं तो ये पूरे तार पर हो गया, तो ये सवाल हो गया इस पर आधारित, इसके फॉर्मूले पर आधारित, भले ये सवाल डेरिवेशन की तरह है लेकिन फॉर्मूला ये यूज हो गया यहाँ पर। तो अगर हमें कहीं पर तीव्रता पता चल जाए तो वहां पर बल निकाल सकते हैं, जैसे मान लो ये सीधा तार है हमें दिया हुआ है इसका रेखिक आवेश घनत्व और डिस्टेंस r, और यहां पर एक चार्ज है q को चारों तरफ राउंड लगा रहा है वृत्ताकार गति में, तो इस आवेश पर इधर की तरफ मान लो ये नेगेटिव चार्ज है कोई माइनस q चार्ज है इलेक्ट्रॉन वगैरह है, तो इस पर इधर की तरफ जो बल लगेगा वो तो E की वैल्यू हो जाएगी 2K लैम्डा अपॉन R, ये तीव्रता हो गई इस तार की, यहां पर Q हो गया यहां पर ये जो आवेश है वो, ये बंद हो गया अंदर की तरफ और बाहर की तरफ है, अब केंद्रीय बल और लगता है mv स्क्वायर अपॉन R, एक आवासी बल जो बाहर की तरफ है, तो ये वाला जो बल है वो इस बल को बैलेंस कर रहा है, दोनों इक्वल हो जाएंगे,
तो वृत्तीय गति के लिए इन दोनों का बराबर होना जरूरी है। F इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, F की जगह ये रख देंगे Q 2K लैम्डा अपॉन आर इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ये जो B है ये आवेश की गति है, चारों तरफ किस स्पीड से घूम रहा है। M इसका द्रव्यमान है, इस वाले आवेश का इसका आवेश है माइनस क्यू और द्रव्यमान है M। आर से आर कैंसिल हो जाएगा और ये वेलोसिटी ये लैम्डा इसका हो गया। तो आपको इसमें से कोई भी एक क्वांटिटी अननोन रखकर पूछा जा सकता है। जैसे आर से आर काट दो तो बी इक्वल टू हो जाएगा टू के लैम्डा क्यू अपॉन एम अंडर। एम को नीचे ले लिया है ना, आर से आर कैंसिल हो गया तो टू के क्यू लैम्डा सब चीजें ऊपर हो गई, ये स्क्वायर है इसलिए अंडर रूट लग जाएगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया इसे। तो ये फॉर्मूला हो गया कि कोई भी आवेश किसी तार के चारों तरफ घूमेगा तो उसे घूमने के लिए उसको कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी ताकि वो वृत्ताकार घूम सके। तो ये इस तरह का क्वेश्चन पिछले साल आया था उसमें बोर्ड में, इस साल तो पेपर नहीं हुआ, इससे पिछले वाले में इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये डेरिवेशन ही याद नहीं, इसका फॉर्मूला भी याद रखना है। ये वाला फॉर्मूला की बता रहा E इक्वल टू टू के लैम्डा अपॉन आर, इसका वो बोले का हो तो तीव्रता को आवेश से गुणा करते ही फोर्स बन जाएगा। तो कई जगह बल निकालने के लिए आप कूलम का नियम नहीं लगा सकते। अब जैसे यहाँ आप लेते हैं इसका आवेश और इसका आवेश दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करो तो इसमें तो आवेश सारी जगह पर है, अलग अलग जगह पर आवेश है तो बल तो अलग अलग बिंदु पर लगेगा तो नहीं निकाल पाओगे। तो ऐसे में आपको विद्युत क्षेत्र को आवेश से गुणा करना पड़ेगा तभी निकल पाएगा। तो ये दूसरा अनुप्रयोग है गाउस के नियम का जो मैंने कराया था, उसमें एक तो गोले का करा दिया और दूसरा ये दोनों कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक समतल पृष्ठ, एक सीधा समतल पृष्ठ है इसके कारण तीव्रता, इस तरह से कोई पृष्ठ है तो इसके यहाँ तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा, इधर क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय।